हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखने वाले वीकली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से, और यहाँ पे 1 वीक टाइम फ्रेम पे हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं। ओके, सो 1 वीक में हमें दिख रहा है एक शूटिंग स्टार पैटर्न, और जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है। तो बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है, और यहाँ पे हमें एक बियरिशनेस देखने के लिए मिल सकती है वीकली टाइम फ्रेम में। ओके, सो टारगेट हमारा 44,000 का रह सकता है यहाँ पे, जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑन वीकली टाइम फ्रेम। देन डेली टाइम फ्रेम पे हम आएंगे। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जो हमें इम्पोर्टेंट लेवल है वो है लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन का डे लो एंड डे हाई। तो इसे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्क कर लेंगे फॉर इंटरडे ट्रेडिंग लेवल्स। तो डायरेक्टली वहीं पे जाते हैं, और डेली टाइम फ्रेम में हमें एक सिमिलर लाइक पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी यहाँ पे ये नेकलाइन रहेगी कल का लो पॉइंट। ठीक है, तो मोस्टली ये अपसाइड के लिए प्लान करता है ब्रेकआउट, बट एज पर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम यहाँ पे एनालिसिस करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे, और यहाँ पे हम एक्टिवेट कर लेंगे लाइंस। ठीक है, सो जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है तो यहाँ पे हमें देखने के लिए लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल थी 45,000 अराउंड 100 की, और कल के ट्रेडिंग सेशन में वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। देन मार्केट साइडवेज के लिए चला गया, और उसके बाद फिर से एक रिवर्सल हमें मार्केट में दिखा। देन अगेन यहाँ से एक रिजेक्शन मार्केट में देखने के लिए मिल। तो यहाँ पे एक शार्प फॉल हुआ था मार्केट में आफ्टर 3 PM। ओके, देन उसके बाद क्लोजिंग अराउंड दिस लेवल यहाँ पे मिल गई। ओके, सो ये वाला जो लेवल है यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो इसके अंदर जो भी ट्रेड होंगे बिलो 45,100 से लेके 45,900 तक के, तो यहाँ पे एक स्मॉलर रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड बनेंगे, आप ज्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड हमें मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। तो ब्रेकआउट कौन से डायरेक्शन में? तो ऑब्वियसली एक तो डाउन साइड और एक तो अपसाइड, बट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे एक हेड सॉरी इसे एक शोल्डर कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला हेड हो गया, और ये राइट शोल्डर हो गया, देन इसका ये ब्रेकआउट हो गया, और ये रिटेस्ट पॉइंट हो गया। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आप पहचान सको। ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर। ठीक है, देन ये उसकी नेकलाइन, एंड आगे इसका ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट, एंड ये अभी नीचे के लिए जा सकता है। तो इसका जो टारगेट निकल के आता है तो वो 45,450 का निकल के आता है, और यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं जैसे ही ये वाला डे लो ब्रेक होता है, जो भी हमने यहाँ पे ब्लैक लाइन बनाई हुई है, तो इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बेसिकली कल के डे लो पे हम यहाँ पे ये ट्रेड बना सकते हैं, और टारगेट भी आप देख सकते हैं अच्छा टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, देन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? मार्केट यही पे इसी रेंज के अंदर फंसा रहे, देन कहीं जाके एक ब्रेकआउट दे दे, तो साइडवेज में हम छोटे छोटे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं। देन अगेन हम 45,100 के ऊपर बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा जो रहेगा वो 45,200, देन उसके बाद 300 का रह सकता है। ठीक है, सो ये हो गया बैंक निफ्टी का। एंड देन 45,400 का भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, ट्रेंड लाइन भी बनती है, बट ट्रेंड लाइन अभी कल के दिन में इमिडिएटली तो टच नहीं होगी। ओके, सो इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बनेगी, और यहाँ पे हम इसको रिस्पेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, सो अभी निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। निफ्टी का स्टार्टिंग में हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम में भी हमें एक शूटिंग स्टार सिमिलर पैटर्न है, और ये बाकी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बनाए हुए हैं, तो इसे मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक शूटिंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, तो ये अगेन निफ्टी भी नीचे की तरफ आ सकता है, और इसका टारगेट अराउंड 18,800 का निकल के आता है। एंड देन ये आगे भी बहुत कंटिन्यू करता है, बट मार्केट में जो रैली चल रही है वो एक कंटिन्यू होने के लिए हमें यहाँ पे मिनिमम 2 रेड कैंडल यहाँ पे लगने वाली है। ठीक है, सो जैसे ही बनती है वैसे हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। डेली में आते हैं तो डेली में अगेन हमें लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन का डे लो एंड डे हाई एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, उसके नीचे हम यहाँ पे एक पुट साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि हम ऑब्वियसली अगेन 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्क कर लेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम यही पे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो अराउंड दिस लेवल हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, एंड देन ये वाली जो है वो हमारी एक अगेन यहाँ पे वो रेजिस्टेंस करके वर्क करेगा, और यहाँ पे वो सपोर्ट करके वर्क। ठीक है, तो कल का डे लो ये वाला था, और इसके नीचे अगर लेट्स सी कि हमें एक कोई रेड कैंडल बिग रेड कैंडल अगर मिलती है तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। देन जो नेक्स्ट टारगेट बन के आता है वो प्रीवियस स्विंग लो से आता है। ठीक है, तो प्रीवियस स्विंग लो ये था, तो अराउंड 19,250 का हमारा टारगेट रह सकता है, अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन अराउंड दिस लेवल अगर होता है तो यहाँ पे हम
इस ट्रेड के लिए जा सकता है। बिलो दिस हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट निकल के आता है 19,100 लेवल पे, यहाँ पे कंसोलिडेशन है तो वो वाला नेक्स्ट टारगेट रहेगा, एंड देन उसके नीचे 19,000 लेवल का हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन आती है, देन इसके ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर स्मॉल ट्रेड करना होगा तो इसके नीचे भी हम स्मॉलर स्मॉलर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, बट ट्रेंड के अगर आपको ट्रेड प्लान करना होगा तो वहां पे आप छोटा टारगेट लेके ही चलिए। ठीक है, सो इसके रिस्पेक्ट में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लाइव अपडेट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देता रहूंगा, तो वो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक बायो में। ओके, सो 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस हो गया। देन इस वीक का जो भी पीएनएल था वो भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है टेलीग्राम पे, तो वो आप भी चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।